हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी एक आ रही है, यूपी पीसीएल भर्ती, जो है पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है 4102। जहाँ आपका योग्यता क्वालिफिकेशन जो चाहिए, हाई स्कूल प्लस आईटीआई होनी चाहिए, वो अप्लाई इस पोस्ट को कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी मौके हैं, अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है और टेक्नीशियन की पोस्ट है, सबसे बड़ी बात है, और यूपी पीसीएल है, बहुत अच्छी है। तो आप लोग, हम चलिए इसको नोटिफिकेशन देखते हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कब से ऑनलाइन चालू होगी और कितने इसकी एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे और अप्लाई करने के पूरा डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग यूपी पीसीएल के वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चेक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग यूपी पीसीएल की पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर चलते हैं, वहाँ चल के पूरा डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं यूपी पीसीएल कॉरपोरेशन, यूपी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसके नोटिफिकेशन वाले सेशन में जाइएगा तो वहीं पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके भी देख सकते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लॉगिन करके यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुका हूँ तो वहाँ से आपको हम दिखाते हैं पूरा डिटेल्स। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि देखिए, सबसे पहली फर्स्ट पोस्ट कौन सी है, टेक्नीशियन है लाइन का है, जिसमें जनरल की बात करें तो 2052 सीट है, अन पिछड़ा वर्ग 1107 और अनुसूचित जाति 816 और अनुसूचित जनजाति 82 और कुल है 4100 पोस्ट। तो देखिए, इसमें आपको क्या है, इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी ऑनलाइन मोड में होगा और इसमें पहले ही बता दिया जाएगा कि एक से ज़्यादा पेपर होगी तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो अच्छी बात है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। जब आपका वेतन है 27000 से लेके 27200 से लेके 86100 है, तो आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन आपका पेपर होगा, सीबीटी मोड में होगा। तो आपको देखते हैं कि पैटर्न एग्ज़ाम का क्या है। आप देखिए, क्वालिफिकेशन आपको बता दें तो इसमें लिखा हुआ हाई स्कूल विज्ञापन उत्तीर्ण होनी चाहिए या और उसके साथ आपका एनसीबीटी और एससीबीटी से आईटीआई होनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं किसी एक्ट और कोई ट्रेड है, जैसे आपका ये ट्रेड है, इस ट्रेड पे आईटीआई होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए या 12th भी किए हुए हो, लेकिन आईटीआई अनिवार्य है। तो वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, लाइनमैन है और इलेक्ट्रिकल है, तो इस पे आपका होनी चाहिए। दूसरा है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक स्किल टीस आपका होगा, टेक्नीशियन के पदों के आवश्यक यथापोल सीट की चढ़कर लाइन एवं वितरण संबंधित टेस्ट लिया जाएगा। तो मतलब आपका बेसिक स्किल टेस्ट होगा, जो आपका टेक्नीशियन पोस्ट होगा उससे ऊपर बेसिक टेस्ट आपका भी होगा। तो इतने प्रोसेस है आपके, मतलब इसके रिक्वायरमेंट हैं। तो अब चलिए, अब बात करते हैं आपका डेट, मतलब उम्र की, जो मिनिमम 18 से लेके मैक्सिमम 40 साल तक के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका डेट होनी चाहिए, कैलकुलेट किया जाएगा 1/1/2019 से, तो आप लोग ये देख सकते हैं। और जो भी ओबीसी एसी हैं उनके लिए भी आरक्षण के कम है 5 वर्ष है और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित आयु के लिए 15 वर्ष हैं, तो इसके लिए आपका छूट दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए आपका आवेदन फी जो नॉन रिफंडेबल है, आप लोग देख सकते हैं, जो अनुसूचित जनजाति और जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 700 रुपया और समान वर्ग के लिए 1000 रुपया है। तो आप लोगों को देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आपको आवेदन कर देनी है, तो यहाँ से आवेदन कर दें। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, अब बात करते हैं हम लोग चयनित प्रक्रिया की, मतलब आपका
मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, तो जो ऑनलाइन CBT आधार पर किया जाएगा, लिखित परीक्षा के दो भाग होंगे, 3 घंटे की समय दिया जाएगा, जिसमें आपका प्रथम भाग में होगा प्रथम लिखित परीक्षा CCC स्तर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होगा, तो आपको जो बेसिक कंप्यूटर होगा और 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक के होंगे, 1/4 निगेटिव होगा, कम से कम 20 अंक अनिवार्य है, मतलब कि आपका 50% 20 अंक लाना अनिवार्य है, और 1 नंबर क्या है, इसका मतलब है कि आपका 20 क्वेश्चन 50 में से सही होनी चाहिए। और उसके बाद अब बात करते हैं दूसरी जो परीक्षा होगी, जो हिंदी भाषा में लिखित ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके बाद 1 अंक क्या होगा, 1/4 निगेटिव होगा। तो इसका देखिए, इसमें आपका सिलेबस बताया गया है क्या है, देखिए 2 पार्ट में क्या होगा, 3 घंटा का होगा, ये वो आपका होगा Part 1 जो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर होगा, और दूसरा है CCC है उसको कहते हैं, और उसके बाद देखिए समान अध्ययन रीजनिंग है 20 क्वेश्चन 20 अंक का, उसका समान हिंदी 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, समान अंग्रेजी 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, और तकनीकी विज्ञान मतलब 150 क्वेश्चन 150 नंबर का, टोटल 200 क्वेश्चन का होगा। इसमें लिख दिया हुआ है चयनित होने परीक्षा में 35% अंक प्राप्त अनिवार्य है, मतलब कि आपको 33.5% अनिवार्य है इसमें अपने लाना है। और उसके बाद आपका जो भी है जो आवेदन परीक्षा स्थल होगा UP के देख सकते हैं गाजियाबाद, इतना में एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और भी कहा गया है, परीक्षा स्थल में बदलाव अथवा घटाव बढ़ाया जा सकता है, मतलब संख्या जो भी आपका पोस्ट है 4000+ जो पोस्ट है उसमें घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए इसमें पहले ही बता दिया गया है, तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। अब देखिए ऑनलाइन अप्लाई एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा, आप चलिए देख लेते हैं कि कब से ऑनलाइन आवेदन चालू है, तो आपका 1 तारीख से चालू है 30 तारीख तक, और आवेदन शुल्क है 2/4 से लेकर 1/5 तक, एक आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 2/4 से लेकर 2004 से लेकर 1/5 तक आवेदन करने के सकते हैं, परीक्षा है मई में दिया जाएगा दूसरी सप्ताह में, तो इसमें टेंटेटिव डेट आपका बता दिया गया है। तो होप आप लोगों का पूरा क्लियर होगा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर वहां से आप लोग नोटिफिकेशन चालू, अगर होप आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं, तो इसको अप्लाई करना मत भूलिएगा, तो थैंक यू सो मच।